तो मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहूंगा कि सभी कीड़े एक तरह से बिहेव नहीं करते। कुछ कीड़ों को बड़ी टेक्निक से हैंडल किया जा सकता, क्योंकि जो सफेद मक्खी जो कीड़ा है, इसके 250 से ज्यादा पौधे ऐसे हैं जिन पर ये खा सकता है। और आप अगर अकेले अपने खेत में करेंगे, अगर पड़ोसियों से नहीं नहीं किया तो उसके खेत से आ जाएगा। तो ये हमें सबसे पहले तो ये याद रखना होगा कि इसके लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे सारे मिलकर। एक आदमी करेगा तो उसके फायदा नहीं होगा, उसके एक बार कीड़े मर जाएंगे फिर दूसरे के खेत से आ जाएंगे। दूसरी बात, पहला जो नियम है सफेद मच्छर को रोकने का वो ये है कि आप सफेद मच्छर को देखते ही दवाई का स्प्रे ना करें, उसको आर्थिक कगार पर पहुंचे, मतलब एक पत्ते पे 6 से 8 अगर हो उससे पहले आप दवाई ना छिड़कें। क्योंकि जब भी कोई कीड़ा खेत में आता है तो उसके पीछे उसका मित्र जीव भी उसको ढूंढता हुआ आ जाता है। हम कहते हैं पहले मित्र जीव को थोड़ा मौका दें, वो कुछ हद तक उसको काबू करे। आप शुरू में ही दवाई देखते ही कीड़े को दवाई डाल देंगे तो इस ये काबू आने वाला नहीं है कीड़ा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, दुनिया भर में जो सफेद मक्खी है खाली अंग्रेज ये केमिकल पेस्टिसाइड से काबू नहीं आती है। इसके लिए कुछ और उपाय भी करने पड़ेंगे, वो जो मैं बताने जा रहा हूँ। पहला उपाय मैंने बताया कि पहला स्प्रे जितना लेट कर सके, 8-10 दिन 15 दिन जितना लेट कर सके वो करें। कब तक लेट करें? जब तक प्रति पत्ता 6 से 8 व्हाइट फ्लाई नहीं हो जाती, पहला काम ये है। दूसरा काम आपने करना है कि नीम की दवाई का स्प्रे करना है। जब आप समझे कि पत्ते पर एक पत्ते में 6 से 8 सफेद मक्खी होगी तो पहला स्प्रे नीम का करें और उसके बाद दूसरा स्प्रे भी नीम का करें। नीम की जो दवाई है वो सफेद मक्खी को अंडे देने से रोकेगी, उसको खाने में दिक्कत करेगी, उस पर बैठेगी कम और कुछ मारेगी। तो नीम का धीरे धीरे असर होता है तो उसमें जो सफेद मक्खी की बढ़ोतरी नहीं होगी। तीसरा जो आपने करना है, अगर तेला भी आ गया है तो आपने कॉन्फिडोर इतना काम नहीं कर रहा है जो आप बहुत ज्यादा छिड़कते हैं आजकल। मैं ये कहूंगा नीम और रोगोर या मेटासिस्टोस मिला के करें, नीम और रोगोर या मेटासिस्टोस मिला के करें। ऐसे बहुत से किसान मेरे संपर्क में हैं जो शुरू से कपास बोई थी, मेरे संपर्क में है, वो बहुत अच्छा नियंत्रण सफेद मक्खी का ले रहे हैं और उनके मैसेज भी आते हैं, फोन भी आते हैं कि हमारा काबू में है। और चौथी बात मैं बताऊंगा, सफेद मक्खी को 100% मारना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए 70-80% अगर मार देते हैं तो ये काफी कंट्रोल है, आपके पत्ते काले होने की नौबत नहीं आएगी। तो इसके अलावा हमें थोड़ा थोड़ा कंट्रोल दूसरे तरीकों से भी लेना है। ये पीले रंग की तरफ आकर्षित होती है, आप कुछ भी करें, एक खेत में 10-20 जगह गत्ते टांग दें, कोई पत्रा टांग दे, कोई पीपे पुराने टांग दे, उन पे या तो पीला कागज चिपका दें या ग्रीस लगा दें उन पे, तो वो सफेद मक्खी उधर आकर्षित होकर उस पर चिपक जाएगी। तो ऐसा करने से आप 20-25% इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल हर तरीके से लेना पड़ेगा जब ये काबू आएगी। कीड़े ज्यादा लगते हैं सुंडी के लिए तो उसमें जीन डाल दिया है, लेकिन इसमें इनके प्रति रोधक क्षमता नहीं है। एक बात, किसी भी कीड़े के पनपने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो वो फसल कैसी है, वो उस पर ज्यादा पसंद है कि नहीं कीड़ों को, वो तो बीटी पसंद है कीड़ों को, रस चूसने वाले कीड़ों। दूसरा होता है मौसम, ये बारिश ना होने की वजह से जो नमी तो है लेकिन बारिश से जो इफेक्ट आता है धुल जाती है सफेद मक्खी, उसकी वजह से मौसम सफेद मक्खी के फेवर में है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी भारी संख्या कीड़ों के आम हो जाती है। जब मौसम अनुकूल हो और जो वैरायटी जो ससेप्टिबल है तो ऐसे में बहुत भारी संख्या में उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो मैंने ये आपको उपाय बताए हैं ये अगर शुरू से आप अपनाएं, इस समय जिन खेतों में स्प्रे नहीं हुआ वहां पे जो पैरासाइट आया हुआ है 70% व्हाइट फ्लाई को वो अटैक कर रहा है, यानी कि बिना दवाई के भी 70% व्हाइट फ्लाई मित्र जीव नष्ट कर रहा है। तो ये स्थिति है, अगर मित्र जीव को जीने देंगे, कम स्प्रे करेंगे, वनस्पति आधारित दवाइयों को स्प्रे करेंगे तो हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। और किसान हम भी सर्वे करते हैं, खेत में भी जाते हैं, किसानों से बात भी करते हैं, 2-2-3 दिन दवाई के मिक्सचर कर रहे हैं किसान, और जो विश्वविद्यालय ने सिफारिश नहीं की ऐसी दवाइयाँ बहुत सी डाल रहे हैं, जो भी कंपनी वाला कह जाता है वैसे डाल देते हैं। तो उससे मैंने बताया कभी भी केमिकल पेस्टिसाइड अकेले से व्हाइट फ्लाई काबू नहीं आएगी,
और इसमें तो और भी एक सुविधा भगवान ने दे रखी है, ज्यादा दवाई के प्रयोग से इसमें अंडे देने की ताकत बढ़ जाती है, 20% ज्यादा अंडे देती है दवाई के प्रभाव से। तो ये आप ना करें, अकेले रासायनिक कीटनाशकों के भरोसे ना रहे, येलो सिटी के ट्रैप का प्रयोग करें, नीम की दवाई का प्रयोग करें, मित्र जीवों का संरक्षण करें और पहला स्प्रे जितना हो सके आर्थिक कगार पर करें, एकदम कीड़ा देखते स्प्रे ना करें। आप इन चीजों को अपनाएंगे और तेला आ जाए और ये चूड़ा आ जाए तो नीम और रोगोर या नीम और मेट्रोसो से मिलाकर करें या साधन करेंगे तो मेरा ये दावा है कि 70% आपकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी।